दोस्तों, हॉस्पिटल से आया बाप और बेटे का ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, हम आपको तफसील से बताएंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए और इसको लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक बच्चा अपने बाप को हॉस्पिटल के अंदर नमाज पढ़ा रहा है और इस बच्चे के वालिद के साथ हाल ही में बहुत बुरा हादसा हुआ जिसकी वजह से इनकी दोनों टांगें चली गईं और अब ये चल फिर नहीं सकते। आप जरा गौर करें कि इस बाप ने अपने बच्चे की कितनी अच्छी परवरिश की है कि जब यह बाप अकेला होता है और अजान होती है और जब नमाज का टाइम होने लगता है तो ये बच्चा अपने बाप को नमाज पढ़ाता है और इस बच्चे का बाप भी लेटे हुए अपनी नमाज को अदा कर रहा है। और दोस्तों, दूसरी बात, ये ऐसी हालत में भी नमाज को नहीं भूलें। दोस्तों, हमें इस वीडियो से सबक लेना चाहिए कि हम किसी भी हाल में अपने अल्लाह को ना भूलें और अपनी नमाज को ना छोड़ें। उलमा ए इकराम फरमाते हैं कि कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा, इसलिए नमाज को कायम करें। दोस्तों, आपका इस बाप बेटे की वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।